हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो WCG3 का जो न्यू अपडेट आ चुका है दोस्तों, तो मैंने वीडियो डाली भी है, इसमें फुल रिव्यू बताया आपको, तो आप वीडियो को चेक कर लेना। तो दोस्तों, ये न्यू अपडेट आया, इसमें क्या फ़ीचर आया मैंने उस वीडियो में बताया है। तो एक फ़ीचर मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि आपको रियल नेम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने थंबनेल में आपको देखा कि आपने सारे टीम्स के रियल प्लेयर आ रहे थे, तो मैं वही आपको आज बताने वाला हूँ कहाँ से आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में लिखना आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपग्रेड टीम में जाता हूँ। तो दोस्तों, ये न्यू फीचर आपको मिल जाएगा। तो आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड मिल सकता है, ये देखो विकेट कीपर कैप्टन इधर ही मिल जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको ये रेस्ट ऑफ स्क्वाड है, जेंट स्क्वाड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस फीचर पे आपको जाना है। तो अब क्या करना है, जैसे आपके ये देखो दोस्तों, ये मैंने सारे ले रखे, तो इसकी जगह आपको दूसरे प्लेयर के नाम मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको ऐसे कॉपी करना है दोस्तों, और ये प्लेयर आपके हाँ आ गया, देखो दोस्तों ये आ चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों, यही था वो फीचर जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आपने थंबनेल में भी देखा। तो दोस्तों, कोई भी कंट्री के ले सकते हो, सारे कंट्री में कोई भी कंट्री के प्लेयर आप इंडियन टीम में ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।